सीधी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय सिंह चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और इस दौरान वे क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा के साथ ही भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि बीते 15 सालों के भाजपा शासनकाल ने प्रदेश को 25 साल पीछे ला दिया है। सीधी सिंगरौली क्षेत्र में भाजपा के विधायक रहे हों या सांसद, किसी ने क्षेत्र का विकास नहीं किया। जनसंपर्क के दौरान तमाम मुद्दों पर अजय सिंह राहुल भैया से बातचीत की हमारे समूह के चैनल न्यूज वर्ल्ड के स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने। अब बहुत कम वक्त बचा है जब सीधी सिंगरौली की जनता 29 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और यही कारण है कि जो चुनावी समर है वो तेज हो गया है। अजय सिंह राहुल हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं क्षेत्र में जिनको लेकर वो मैदान में है। अजय जी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको चाहते हैं कि ये इतने आजादी के इतने बरस बाद भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ? 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम लोग करीब 25 साल पीछे चले गए। मुख्य उदाहरण यदि किसी को देखना हो तो सिंगरौली से सीधी जो रोड है ये 15 साल में नहीं बन पाए। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का, उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, इसकी आवश्यकता है। यहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों की समस्या है, बाहर की कंपनियां आ रही हैं। प्रावधान है कि 70% लोगों को रोजगार होना चाहिए लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। ये सिंगरौली के मुद्दे हैं। सीधी संसदीय क्षेत्र बहुत ही भिन्न है, यहाँ के मुद्दे और सीधी के मुद्दे अलग हैं, ब्योहारी की बिल्कुल और अलग है। तो स्थानीय रूप से देखा जाए तो ये अलग अलग अंचल के मुद्दे हैं, लेकिन एक चीज साफ है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक वही थे, सांसद बदले होंगे लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। राहुल जी, आपको लगता है कि बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ का है? बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं लेकिन जो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। बेरोजगारी मुद्दा देश का है लेकिन यहाँ पर विशेष मुद्दा है। सिंगरौली जिले में जब इतनी कंपनी आई है और प्रावधान है उनको रोजगार मिलने के लिए, उसके बावजूद भी उनकी जमीन चली जाती है और उसके बदले में भी जब नौकरी नहीं मिलती तो स्वाभाविक है यह बड़ा मुद्दा है। आप वोट का आधार स्थानीय मुद्दों को लेकर सामने है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की तो वो राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये तमाम सारी चीजें इस चुनाव में। पाठक जी, 5 साल की एक उदाहरण नहीं दे रही अपनी उपलब्धि की। यदि कोई सांसद रहा हो, एनसीएल के बोर्ड में रहा हो, रेलवे विभाग के उस रहा हो, सदस्य रहा हो, उसके बाद भी यहाँ सबसे बड़े मुद्दे उसी के हैं, उसमें कोई उनका वो नहीं है। और आज सिर्फ वही कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बना दो, ये कहाँ का है? अजय जी, जिस तरह से हमने आज देखा, सीधी में देखा, पीएम मोदी की वहां पर सभा थी, शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पत्थर फेंकवाए गए हमारे ऊपर या अन्य तमाम तरह के हमले किए जा रहे, क्या कहेंगे इसको लेकर? कहीं ना कहीं बौखलाहट है। अब उनके विचारों के लिए मैं क्या कहूँ, उनकी मानसिकता के लिए क्या कहूँ। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मेरा उसका कोई रोल नहीं है। यदि किसी गांव वाले ने गलती से भी यदि किया हो तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर चुका हूँ, लेकिन शिवराज सिंह जी के पास मेरे खिलाफ कोई और नहीं है। और बौखलाहट जरूर है, हवा खिसक चुकी है, लाख कोशिश कर ले यहाँ से चुनाव नहीं जीतने वाले। जी अच्छा जी, आखिर में एक सवाल, सांसद के तौर पर एक आपका पहला चुनाव है, किस तरह का अनुभव रहा है क्योंकि अब कैंपेनिंग अंतिम पड़ाव पर है? मैं पिछला चुनाव भी सांसद का लड़ा था सतना से, तो सीधी सिंगरौली में क्योंकि ये मेरा घर है तो यहाँ जो प्रेम मिलता है वो अलग है। सतना में चुनाव लड़ा था पर यहाँ विशेष प्रेम है और लोगों से बहुत तो सालों से जो संबंध बीच में कुछ कमजोर हो गए थे वो संबंध मजबूत हो रहे हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप इस चुनाव को लेकर? यदि कोई हेरा फेरी ना हो तो मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट। तो आप देख सकते हैं अजय सिंह राहुल जिस तरह से कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, बशर्ते जो चुनाव हो वो पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न कराया जाए।